हेलो एवरीवन सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैटक पीएलसी इससे पहले हम जितनी भी लैब्स कर चुके हैं ऑलमोस्ट नाइन और टेन लैब्स हम कर चुके हैं उसमें हमने एलन ब्रेडले पीएलसी के बारे में पढ़ा है कि एलन एन ब्रेडले पी को हम किस तरह से प्रोग्राम करते हैं उसकी लेडरलॉजिक प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है उसको हम इंटरफेस किस तरह से करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क जो हैं वो आप लोगों ने परफॉर्म किए हैं एलन एन ब्रेडले पी पे लेकिन आज हम एक ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन देंगे फैटक पीएलसी का कि फैटिक पीएलसी जो है आपकी एलन एन पीएलसी से किस तरह से डिफरेंट है और इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और देन फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि फैटक पीएलसी की प्रोग्रामिंग हम किस तरह से करते हैं जैसे हम एलन एन पीएलसी की प्रोग्रामिंग करते थे लॉजिक्स प्रो सॉफ्टवेयर पे तो इस तरह हम डिस्कस करेंगे कि फैटक पीएलसी की हम प्रोग्रामिंग किस तरह से करते हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं दैन हम आगे चलेंगे और हम इसकी कुछ स्पेसिफिकेशनस के बारे में पढ़ेंगे कि जिस तरह से आप मैंने आपको एल एन बेडले पी के बारे में बताया था कि उसकी कुछ इनपुट आउटपुट्स होती हैं ठीक है तो उन इनपुट्स और आउटपुट्स को यूज़ करते हुए आप अपना लॉजिक का प्रोग्राम लिखते हैं ठीक है तो इसी तरह फैटिक पीएलसी की इनपुट और आउटपुट्स क्या हैं ठीक है थीके? उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि फैटिक पीएलसी में सेंसर uh, इंटरफेसिंग कैसे की जाती है ठीक है जिस तरह से हम एलन बेडले पी में सेंसर इंटरफेस कर सकते हैं इस तरह हम फैटिक पीएलसी में सी में भी सेंसर इंटरफेस कर सकते हैं तो इंटरफेसिंग का जो uh, अमल होता है वो आलमोस्ट सेम होता है वो चाहे कोई भी पी हो ठीक है तो हम फैटिक uh, पी का सेंसर uh, इंटरफेसिंग का प्रोसीजर uh, देखेंगे कि हम किस तरह से कोई अगर हमारे पास सेंसर है या कोई भी एक्सटर्नल सर्किट है जिसको आप अपने पीएलसी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं उसके साथ इंटरफेस करना चाहते हैं तो आप उसको किस तरह से कनेक्ट uh, कर सकते हैं उसको इंटरफेस कर सकते हैं ठीक है देन हम फाइनली कुछ मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल मॉड्यूल्स होते हैं जिस तरह आपके पास कोई भी अगर सिस्टम uh, है तो आप उसके साथ कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं तो इसी तरह आपके पास फैटिक पीएलसी में या एलन एन बेडले हो तो उसके साथ भी आप कुछ एक्सटर्नल मॉड्यूल्स जो हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है वो हम डिस्कस करेंगे तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है तो चलिए इसको शुरू करते हैं तो राइट right नाउ मेरे पास कोई भी जो है हार्डवेयर अवेलेबल नहीं था फैटिक पी का ठीक है तो मैंने एक क्लियर इमेज लिया आई गेस इट्स क्लियर इमेज तो इसमें मैं आपको सारी स्पेसिफिकेशन जो है वो एक्सप्लेन करूंगा फेटिक पीएलसी के बारे में ठीक है तो सबसे पहले अगर आप देखें इस फेटिक पीएलसी में तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो हमारे पास आती है इस फेटिक पीएलसी का मॉडल क्या ठीक है थीके? तो इस फेटिक ब्रांड का जो मॉडल है वो है ट्वेंटी फोर एम ए ठीक है तो आपको डिफरेंट मॉडल्स मिल जाएंगे ट्वेंटी भी मिल जाएगा सिक्सटी भी मिल जाएगा ठीक है तो इसका मतलब क्या है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एंड सिक्सटी का बेसिकली इट्स सम ऑफ इनपुट एंड आउटपुट्स ठीक है तो अगर मैं देखूं कि मेरे पास जो इस फैटिक पीएलसी में जो अभी मैं आपको आपके पास इमेज है इसमें जो इनपुट्स और आउटपुट्स हैं इनको अगर आप ऐड कर दें तो टोटल जो आपके पास बनेंगी इनपुट आउटपुट्स वो बनेगी ट्वेंटी ठीक है तो राइट नाउ मेरे पास फोर्टीन इनपुट्स हैं और टेन जो है मेरे पास आउटपुट्स हैं ठीक है तो इस तरह मेरे पास टोटल जो बनता है वो ट्वेंटी फोर बनता है तो ये तो बात क्लियर होगी कि ये ट्वेंटी फोर क्या चीज़ है ठीक है देन हमारे पास आता है एम ए तो बेसिकली हमारे पास एम ए भी होता है और एम सी भी होते हैं और हमारे पास डिफरेंट टी टी ए और इस तरह से भी हमारे पास होते हैं ठीक है तो बेसिकली जो एम ए है आपके पास एम ए आपके पास ये बता रहा है कि ये जो पी एल सी है ये रिले टाइप है नंबर आपको बता रहा है कि ये रिले टाइप पी है देन आपको ये बता रहा है कि एम ए के ये ए और डी दोनों के लिए काम करती है पी ठीक है तो इसमें ए भी अवेलेबल है और इसमें डी भी अवेलेबल है ठीक हो गया देन हमारे पास जो एम होता है एम बेसिकली हमारे पास तब यूज होता है जब हमें बहुत ज्यादा फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए होती है या जब हम फास्ट कपलिंग कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम जो है वो ट्वेंटी फोर एम ए सॉरी ट्वेंटी फोर एम सी और सिक्सटी एम सी जो है वो आप यूज कर सकते हैं ठीक है तो ये तो हो गया इसके जो मॉडल का नाम है उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है देन अगर आप हमारे पास जाए तो जैसे एलिन बैडले में आपके पास कुछ इनपुट्स थी और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट्स थी ठीक है अवेलेबल इनपुट एंड अवेलेबल आउटपुट्स तो इसी तरह यहाँ पे जो फैटिक पी में आपको इनपुट्स को शो तो तो किया गया है वो एक्स से शो किया गया ठीक है तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो इनपुट से लेकर एक्स थर्टीन तक हैं तो बेसिकली आपके पास इनपुट्स हैं ठीक है देन आपके पास जो आउटपुट को यहाँ पे फेटिक पी में रिप्रेजेंट किया गया है वो वाई से रिप्रेजेंट किया गया है तो आपके पास जो आउटपुट्स हैं वो वाई जीरो से लेकर वाई नाइन तक तो बेसिकली टेन आउटपुट्स हैं आपके पास देन आप देखें यहां पे तो यहाँ पे भी इन्होंने लिखी हुई है ये इनपुट्स और यहाँ पे लिखी हुई है आउटपुट्स ठीक है तो ये इसलिए लिखी हुई है क्योंकि ये इंडिकेटर्स हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे आपके पास था एल एन ब्रेडल पी था तो उसमें आपके पास जो इनपुट आप यूज कर रहे होते थे तो उसका कोई इंडिकेटर था ठीक है तो वो ऑन हो जाती थी तो इसमें आपने क्या किया कि यहाँ पे आपके पास ये इनपुट्स हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नाइन इनपुट इस वक्त काम कर रही है तो नाइन जो ये ये नाइन है यहाँ ये इंडिकेट करेगा इसका मतलब लाइट ऑन हो जाएगी नाइन की नाइन की ठीक है, वो इस वक्त जो है वो में, तो इसी तरह उस नाइन इनपुट के करस्पोंडिंग जो भी आउटपुट है वो आउटपुट जो आप अगर ऑन होगी तो वो वाला इंडिकेटर जो है वो ऑन हो जाएगा ठीक है तो बेसिकली ये आपके पास इनपुट्स हैं और ये आपके पास आउटपुट्स हैं एंड देन इंडिकेटर्स फॉर दैट इनपुट एंड दीज आर दैट आउटपुट अच्छा then आपके पास exactly ये सेम है जैसे आपके पास एल एन बेडले के पी एल सी में था यहाँ पे पावर है ठीक है तो जब आप इसको पावर अप करेंगे तो यहाँ पे ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा कि आपका पीएलसी जो है वो फैटिक पी एल सी वो पावरअप हो गया ठीक है देन आपके पास जब आप इसको रन करेंगे आप इसको अपने प्रोग्राम के साथ लॉजिक का प्रोग्राम लिख के देन इसको जब आप रन करेंगे अपने पी को इंटरफेस करने के बाद तो रन जब हो जाएगा तो आपके पास ये जो है इंडिकेटर ऑन हो जाएगा जो कि आपको शो करेगा कि फैटिक का पी इस वक्त आ, रन मोड में है ठीक है इन केस अगर आपने कुछ मिस्टेक किया है अपना जो आपका प्रोग्राम है या आपने कुछ कनेक्शन गलत किया है एंड कुछ भी हो सकता है तो उस वक्त आपके पास ये एरर का इंडिकेटर जो है वो ऑन हो जाएगा कि आपका जो पी है वो वर्क नहीं कर रहा उसमें कुछ एरर है ठीक है यहाँ तक हमने क्लियर कर ली इनपुट्स एंड आउटपुट्स देन हमारे पास आती है यहाँ पे अगर आप देखें कि पोर्ट जीरो आर एक्स तो यहाँ पे आपके पास ये वो पोर्ट है जहां से आप इस पी को कनेक्ट करोगे अपने पीसी के साथ जैसे आपने एलन ब्रेडले का पीएलसी याद हो आपको तो वो आपका जो वहाँ से एक हम पोर्ट यूज़ करके अपने पीसी को देते थे जो कि पीसी को कनेक्ट कर देता था उसके साथ और फिर आप जो भी पीसी पे लेटर लॉजिक का प्रोग्राम लिखते थे वो बेसिकली आपका इंटरफेस हो जाता था आपके पीएलसी के साथ तो ये आपके पास वो पोर्ट है ठीक है जिस पोर्ट को आप यहाँ से कनेक्ट करोगे और अपने पीसी के साथ अटैच कर दोगे तो आपका जो फैट का पीएलसी है वो आपके पीसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा क्लियर देन आपके पास ये जो आर एक्स एंड टी एक्स है कि जब आप पी से डाटा ट्रांसमिट कर रहे हो तो ये आपको ये वाला इंडिकेटर ये ऑन हो जाएगा कि इस वक्त पी डाटा जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है ठीक है या अगर रिसीव कर रहा है तो उस वक्त आपको ये वाला इंडिकेटर ऑन हो जाएगा कि इस वक्त जो है पी वो डाटा रिसीव कर रहा है और इस वक्त पी जो है वो डाटा ट्रांसमिट कर रहा है ठीक है देन आपके पास ऑब्वियसली जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो इसके लिए एक लाइन होता है और एक न्यूट्रल होता है ठीक है तो ये दो आपके पास एक लाइन और एक न्यूट्रल आ गया अच्छा देन आपके पास जो ये आपको नजर आ रहा है ठीक है प्लस ट्वेंटी फोर वोल्ट ठीक है और प्लस माइनस ट्वेंटी फोर वोल्ट तो बेसिकली ये इंटरनल पावर सप्लाई है पीएलसी को पावर अप करने के लिए ठीक है ये इंटरनल सप्लाई है जो कि

और इसी तरह वाई फोर वाई फाइव के साथ एक सी फोर है तो ये बेसिकली ये आपको बता रहा है कि जब आपके पास वाई वन और वाई जीरो जो ये आउटपुट्स हैं इनके लिए जो कॉम पोर्ट है वो सी जीरो है और इसी तरह जो Y2 और Y3 है इनके लिए कॉम पोर्ट जो है वो C2 है और इसी तरह जो आपके पास Y8, Y9, Y7 और Y6 है उसके लिए जो कॉम पोर्ट यूज की गई है वो सी सिक्स है ठीक है तो ये चीजें हो गई आपकी देन आपके पास ये जो है यहाँ पे ये आपके पास वही एक्सटर्नल मॉड्यूल है जो आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है तो और यहाँ पे अगर इसका ये जो ऊपर से कवर है अगर हम यहाँ से इस कवर को हटा दें तो इस कवर के नीचे भी आपके पास कुछ एनालॉग मॉड्यूल्स हैं जो आपको अवेलेबल होते हैं एक्सटर्नल यूज के लिए कि अगर आप कुछ मॉड्यूल्स इसके साथ अटैच करना चाहते हैं तो वो आप जो है वो अटैच कर सकते हैं ठीक तो ये देखेंगे ये अब हमारे पास एस एंड एस है तो एस एंड एस बेसिकली हमारे पास होता है सोर्स और सिंक ठीक है तो ये हम तब यूज करते हैं कि जब हमने सेंसर इंटरफेसिंग करनी होती है ठीक है सेंसर इंटरफेसिंग के लिए हम एस एंड एस क्यों यूज करते हैं बेसिकली जब भी आप कोई सेंसर अपने पीएलसी के साथ इंटरफेस करेंगे तो पीएलसी को पहले आपने मोड में कन्वर्ट कर लेना है ठीक है किसी एक मोड में एट अ टाइम आपका पीएलसी जो है वो दोनों मोड में काम नहीं करेगा और वो मोड है और आपके पास होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और एनपीएन आपके पास होता है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है तो सबसे पहले आपने पीएलसी को कंफिगर कर लेना होता है किसी एक मोड में ठीक है उसके बाद आप जब भी इसके साथ सेंसर इंटरफेस करेंगे तो वो आप एज अ पी एन पी सेंसर यूज करेंगे या एज अ एन पी एन सेंसर जो है वो यूज करेंगे ठीक है मोस्ट कॉमनली जो आपके पास सेंसर इंटरफेसिंग के लिए मोड uh, यूज होता है वो पी एन पी मोड यूज होता है ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हम किस तरह से सेंसर जो है कोई भी आपके पास सेंसर है या कोई भी आपके पास एक एक्सटर्नल सर्किट है तो उस एक्सटर्नल सर्किट को आप पीएलसी के साथ इंटरफेस करेंगे तो इसमें एस एंड एस का क्या रोल होगा ठीक है तो वो किस तरह से आप इंटरफेस करते हैं ठीक है थीके? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं तो ये देखें ये मेरे पास सेंसर इंटरफेसिंग के लिए कोई एक थ्री वायर सेंसर मैंने लिया है और इसको मैंने पीएनपी वायरिंग में और एनपीएन वायरिंग दोनों में जो है वो कनेक्ट किया है और मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसको किस तरह से हमने अपने पीएलसी के साथ इंटरफेस किया ठीक है तो पीएनपी बेसिकली आपके पास अगर आपने याद रखना है पीएनपी को तो पीएनपी को याद रखने क्या कि पीएनपी जो है आपके पास आउटपुट जो है वो पॉजिटिव लॉजिक देता है जबकि आपके पास एम जो है वो नेगेटिव लॉजिक देता है जी तो अभी देखें यहां पे अगर हम पीएनपी वायरिंग करते हैं तो पीएनपी वायरिंग किस तरह से करेंगे और अगर हम एनपीएन वायरिंग करते हैं तो उसको किस तरह से करेंगे ठीक है तो साथ ही मैं आपको इसके साथ रिलेट करके बताऊंगा ताकि क्लियर हो जाए कि ये किस तरह से हार्डवेयर में किस तरह से ये वायरिंग हो रही है ठीक है तो जो पीएनपी वायरिंग है मैंने आपको अभी बताया कि जो पीएनपी वायरिंग है बेसिकली आपने याद रखना है कि वो पॉजिटिव आउटपुट इंडिकेट करती है ठीक है तो ये देखें ये मेरे पास एक मैंने ज्यूम किया कि ये मेरे पास एक पीएलसी है ठीक है तो जो आपके पास पीएनपी वायरिंग है जो आपके पास PNP वायरिंग है उसमें जो आपके पास पॉजिटिव वोल्टेज है मतलब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहां पे देखें एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है PLC का जो PLC का पॉजिटिव टर्मिनल है वो हम सेंसर को दे देते हैं ठीक है एक्सटर्नल सेंसर को वो सेंसर आपके पास कोई भी सेंसर हो सकता है ठीक है कोई सेंसर हो सकता है कोई एक एक्सटर्नल सर्किट हो सकता है जिसको आप अपने पीएलसी के साथ इंटरफेस करना चाहते हैं ठीक है तो हम क्या करते हैं कि वो जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम एक्सटर्नल सर्किट के साथ दे देते हैं रिले और कॉन्टेक्टर विथ लो पावर कंजम्पशन ट्वेंटी वोल्ट डीसी कॉयल ठीक है तो हम पॉजिटिव टर्मिनल एक्सटर्नल सर्किट को दे देते हैं और बाकी जो हमारे पास एस एंड एस है और जो नेगेटिव टर्मिनल है जो नेगेटिव टर्मिनल है और जो एस एंड एस वाला टर्मिनल है ठीक है उसको हम क्या कर देते हैं शॉर्ट कर देते हैं आपस में उन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देते हैं या आप कह सकते हैं कि उनको हम ग्राउंड कर देते हैं ठीक है उसको हम शॉर्ट कर दिया हमने ये देखें ये वाला जो टर्मिनल है ठीक है इसका नेगेटिव और जो हमारे पास एस एंड एस वाला है उसको हम जो है वो शॉर्ट कर देते हैं तो होता क्या है बेसिकली आपके पास कि जब आपने पॉजिटिव टर्मिनल एक्सटर्नल दे दिया है है ठीक आपके पास कोई एक फिजिकल एक्सटर्नल सर्किट है जिसको आपने 24 वोल्ट पॉजिटिव वाले दे दिए हैं ठीक है तो जब आप 24 वोल्ट ये पॉजिटिव वाले देंगे तो उसके बाद जो भी आपने सर्किट आपने कनेक्ट किया हुआ बेसिकली जो आप अपने पीएलसी के साथ इंटरफेस करना चाह रहे हैं तो उसको आप इंटरफेस किस लिए कर रहे हैं उसको आप इंटरफेस ऑब्वियस सी बात है इसलिए कर रहे हैं कि आप उसको ऑटोमेट कर सकें तो जो आप ऑटोमेट करेंगे उस ऑटोमेशन के लिए आपको कुछ ना कुछ इनपुट्स चाहिए होती हैं ठीक है तो इन ऑब्वियसली जो पीएलसी है उसमें होती ही इनपुट्स और आउटपुट्स हैं तो जो आपने 24 वोल्ट दिए हैं एक्सटर्नल सर्किट को तो वो फीडबैक होके इन इनपुट्स पे आएंगे ठीक है इसमें से कोई भी आप इनपुट यूज करेंगे ठीक है तो उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट जनरेट होगा जिससे आपका एक्सटर्नल जो सर्किट है वो ऑटोमेट हो रहा होगा ठीक है तो ये जो आपके पास इनपुट है यहाँ पे जो आपके पास वोल्टेज आएगा वो पॉजिटिव आएगा ठीक है वो पॉजिटिव मतलब कि आपके पास पॉजिटिव लॉजिक uh, आएगी क्योंकि आपने यहां से पॉजिटिव जो है लॉजिक uh, जो है वो आपने एक्सटर्नल सर्किट को दी है तो इसी तरह जो आपका एनपीएन uh, वायरिंग होती है एनपीएन वायरिंग में जस्ट डिफरेंस ये है कि हम क्या करते हैं कि जो पीएलसी का नेगेटिव uh, टर्मिनल है जो पीएलसी का ये वाला जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम एक्सटर्नल सर्किट को मतलब अपना सेंसर हो सकता है वो हमारा या कोई भी एक्सटर्नल सर्किट हो सकता है उसको हम दे देते हैं ठीक है तो उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल दे दिया और बाकी जो हमारे पास पॉजिटिव वाली वोल्टेज होती है और जो दूसरे हमारे पास नेगेटिव uh, टर्मिनल uh, है उसको हम क्या कर देते हैं आपस में uh, पॉजिटिव और ये एंड एस इसको हम क्या कर देते हैं आपस में शॉर्ट कर देते हैं और जो नेगेटिव है इसका इस नेगेटिव को हम क्या करते हैं एक्सटर्नल सर्किट को दे देते हैं तो जब आपने अपने एक्सटर्नल सर्किट को नेगेटिव वोल्टेज दे दिया है तो वो जब फीडबैक होके इन इनपुट्स पे आएगा तो इन इनपुट्स पे आपको नेगेटिव लॉजिक मिलेगा मतलब कि नेगेटिव आउटपुट जो है नेगेटिव लॉजिक आएगा ठीक है तो यही वजह है कि ऐसे सर्किट जिसमें हम पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा होता है उसको हम कहते हैं कि ये सोर्सिंग है एज अ सोर्स बिहेव करता है जबकि आपके पास जो एनपीएन वाला होता है इसको हम क्या कहते हैं ये एज अ सिंकिंग बिहेव करता है क्योंकि ये नेगेटिव आउटपुट है और ये पॉजिटिव आउटपुट है ठीक है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि अपने पीएनपी वायरिंग भी कर सकते हैं और अपनी एनपीएन वायरिंग भी कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपने पीएलसी के साथ किसी भी किस्म का एक्सटर्नल सर्किट या कोई सेंसर आप पीएलसी के साथ इंटरफेस कर सकते हैं ठीक है तो ये तो हो गया आपके पास पीएनपी और एनपीएन वायरिंग और सेंसर इंटरफेसिंग होगी ठीक है नेक्स्ट हमारे पास ये मैंने एक अभी सिंक और सोर्स का आपको बता भी दिया लेकिन मैंने इसकी एक डेफिनेशन भी लिख ली थी ताकि हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें असिंकिंग डिजिटल इनपुट आउटपुट प्रोवाइड अ ग्राउंडेड कुनेक्शन टू द लोड ठीक है जो सिंकिंग होता है वो आपके पास क्या करता है बेसिकली ग्राउंड कनेक्शन प्रोवाइड करता है लोड को वेर एज द सोर्सिंग डिजिटल इनपुट आउटपुट प्रोवाइड अ वोल्टेज सोर्स टू दी लोड ठीक है तो इस वक्त हमारे पास लोड क्या है एक्सटर्नल सर्किट है ठीक है तो जो भी आपका लोड है उसमें हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो इस वजह से वो एज अ सोर्स बन जाता है और जो आपके पास आ, एक्सटर्नल सर्किट है उसको जब आप नेगेटिव देते हैं तो वो एज अ ग्राउंडेड कनेक्शन हो जाता है ठीक है तो इसलिए उसको हम कहते हैं कि ये एज अ सिंक बिहेव करता है और जो आपके पास दूसरा वाला पॉजिटिव वाला होता है तो उसको हम कहते हैं कि एज अ सोर्स बिहेव करता है तो ये इसका एस एंड एस का जो है काफी क्या कहते तो बेसिकली ये जो आपके पास सिंक और सोर्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंसर इंटरफेसिंग के वक्त ठीक है तो फाइनली हम जब नेक्स्ट चलते हैं तो अब हमें जैसे ये देखें ये मैंने आपको बताया था कि ये वो प्रोग्रामिंग पोर्ट है जिससे डाटा ट्रांसमिट या रिसीव होता है तो यहां से आप अपने पीएलसी को अपने प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल को आप अपने पीसी के साथ इंटरफेस कर सकते हैं जहां पे आपने इस फैटिक पीएलसी का कंपेटेबल जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा पे आप लेडर लॉजिक प्रोग्रामिंग करेंगे ठीक है तो उस पोर्ट को हम पोर्ट जीरो कहते हैं जो अभी मैंने आपको दिखा भी दिया है एंड नेक्स्ट जो है विन विन प्रो लेडर। विन प्रो लेडर जैसे एल एन ब्रेडले में लॉजिक्स प्रो यूज किया हमने नाइन टेन लैब्स भी किए हैं उस उसपे तो जो आपके पास ये वाली फैटक पीएलसी है तो इसका कंपेटेबल जो सॉफ्टवेयर है जिस जो आपको आ, फैटिक प्रोवाइड करता है अपने लेडर लॉजिक डिजाइन करने के लिए वो आप यूज करते हैं विन प्रो लेडर ठीक है तो अभी इसकी स्पेसिफिकेशन भी हो गई सेंसर इंटरफेसिंग भी हो गई तो नेक्स्ट हम यही करेंगे आपके विन प्रो लैडर को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस पे किस तरह से लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग की जा सकती है ठीक है तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ और विन प्रो लैडर का सॉफ्टवेयर जो है मैंने डाउनलोड किया हुआ है इसका जो लिंक है जहां से मैंने ये डाउनलोड किया है वो मैं डिस्क्रिप्शन uh, में डाल दूंगा वहां से आप इसको एक्सेस कर लें एंड डाउन डाउनलोड कर लें इसको अच्छा देन मेरे पास ये देखें यहां पे मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ ठीक है तो ये मेरे पास वो फोल्डर है जहां पे मैंने अपना विन प्रो लेडर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता हूं ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ पे तो आपके पास ये एक एग्जी फाइल आएगी जिसको आपने डबल क्लिक करना है तो ये आपसे परमिशन मांगेगा तो आप इसको अलाउ कर दें बहुत सिंपल सी इंस्टॉलेशन है इसमें कुछ इतना बड़ी साइंस नहीं है सिंपल आपने इंस्टॉल करना है इसको नेक्स्ट करेंगे ठीक है तो ये आपको बता देगा कि आपने किस जगह पे इसको इंस्टॉल करना है तो ठीक है यहीं पे इंस्टॉल हो जाए कोई इशू नहीं है देन हम नेक्स्ट करेंगे ठीक है तो ये अब सिंपल आपने अगेन नेक्स्ट करना है एंड नेक्स्ट एंड नाउ इंस्टॉल ठीक है तो सिंपल ये इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है तो अब हमारे पास जो आ, विन प्रो लैडर है वो इंस्टॉल हो चुका है ठीक है तो इसको अब फिनिश कर देते हैं फिनिश करने के बाद हम देखेंगे ये आपके पास डेस्कटॉप पे इसका जो आइकन है वो शॉर्टकट जनरेट हो गई है अब हम इसको ओपन कर लेते हैं ठीक है डबल क्लिक करेंगे तो विन प्रो लेडर जो है वो ओपन हो जाएगा ठीक है तो इस तरह की स्क्रीन आपके पास आएगी ये स्क्रीन आने के बाद जैसे हम एलन एन में न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे तो इसमें भी आप जो है वो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे देखें न्यू प्रोजेक्ट करते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं uh, sample. Sample लिख देते हैं प्रोजेक्ट नेम तो अब हम ये यह देखें यहां पे आपने मॉडल नेम सेलेक्ट करना ठीक है मॉडल नेम जिस तरह से हम एलन uh, ब्रेडले में हम जो हमारे पास पीएलसी हमारे पास इंटरफेस होती थी ठीक है जो हमारे पास हार्डवेयर अवेलेबल होता था हम उसका मॉडल लिखते थे तो एग्जेक्टली exactly उसी की तरह अब यहां पे भी हम मॉडल लिखेंगे ठीक है तो मॉडल हमारे पास सीरीज जो है वो एफ सीरीज है ठीक है तो मैं यहाँ से चूज कर लूंगा और पॉइंट जो है मेरे पास ट्वेंटी फोर है ट्वेंटी फोर क्या होता है बेसिकली ये भी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी और मॉडल जो है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं एम ए भी सिलेक्ट कर, कर सकते हैं आप एम सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो हम एम ए सेलेक्ट कर लेते हैं इनकेस अगर आप एम सी सेलेक्ट करें तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो ओके करेंगे एंड देन यहाँ पे हम ओके कर देंगे ठीक है तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आपके पास आ जाएगी इस स्क्रीन में देखें आपके पास वही एक्जैक्टली सेम है कोई इतना डिफरेंस नहीं है ठीक है तो ये देखें ये आपके पास वही ए कॉन्टैक्ट बी कॉन्टैक्ट वहां पे इसको हम शो करते थे एक्स ओ जीरो से और एक्स एक्स आई ओ से और एक्स आई सी से ठीक है इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते थे, थे इन स्विचेस को तो यहाँ पे ये इसको ए कॉन्टेक्ट कहता है और इसको बी कॉन्टेक्ट कहता है ठीक है तो और फिर इसी तरह ये मेरे पास आउटपुट्स हैं ठीक है कॉयल और इनवर्स कॉयल एंड सेट कॉयल एक्सेट्रा और फिर यहाँ पे देखें ये हमारे पास सेटिंग के लिए एक आइकन है हमारे पास ये रीसेट का आइकन है और एलन एन ब्रेडले में भी हमारे पास टाइमर्स अवेलेबल होते थे तो यहां पे भी हमारे पास टाइमर्स अवेलेबल हैं, काउंटर्स अवेलेबल हैं और फंक्शंस अवेलेबल हैं और यहां से आप अपना कोई भी जो आपने कंपोनेट लगाया हुआ अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यू कैन यूज दिस साइकन ठीक है और इतना ही है, इसमें कुछ इतनी खास नहीं है कि मैं आपको क्योंकि आप ऑलरेडी एल एन ब्रेडले वाला जो लॉजिक्स प्रो है वो यूज कर चुके हैं तो ये आपके लिए आ, काफी इजी होगा क्योंकि आपको टाइमर्स काउंटर्स फंक्शंस एंड बाकी जितने भी स्विचेज हैं उनके बारे में तो ऑलरेडी आपको आइडिया है ठीक है तो सिर्फ आपका जो इंटरफेस है इस सॉफ्टवेयर का वो चेंज हुआ है तो अगर फॉर एग्जाम्पल अब मैंने एक कॉन्टेक्ट यूज़ किया तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे आ जाऊंगा जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा तो मैं अब यहाँ पे क्लिक करूंगा ठीक है तो वो मुझसे पूछेगा कि यहाँ पे आपने इस कंपोनेंट का नाम क्या रखना है तो सपोज मैं इसको कह देता हूँ ये मेरे पास एक्स जीरो है तो ये देखें ये कंपोनेंट ऐसे प्लेस हो जाएगा ठीक है और फिर अगर आपने दोबारा से यही वाला कंपोनेंट प्लेस करना है तो आप इसको एक्स वन कह दें और इसको यहाँ पे Place कर दें ठीक है तो ये दो स्विचेस प्लेस हो गए हम output ले लेते हैं एक ठीक है तो यहां पे एक आउटपुट आ गया तो इसको मैं कह देता हूं आ, इसको एम जीरो देते हैं ठीक है तो ये देखेंगे ये मेरे पास आउटपुट आ गई है अब हम क्या करेंगे कि इसको ठीक है इसको हम हाँ। ठीक है तो ये देखें ये मैंने अपना जो है वो अभी फिल वक्त एक सिंपल सा लेटर लॉजिक प्रोग्राम लिख लिया ठीक है इसमें मैंने दो इनपुट्स लिए दो स्विचेस लिए हैं और एक आउटपुट मैंने लिए और दोनों मैंने जो स्विचेस हैं वो ले लिए हैं दो स्विचेस लिए और एक आउटपुट ली ठीक है और अब सिंपल इसको आपने क्या करना है कि यहाँ पे पीएलसी में जाएंगे और इसको अगर इनकेस अगर आपके पास हार्डवेयर अवेलेबल है ठीक है तो हार्डवेयर अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन जाएंगे ठीक है गो ऑनलाइन जाएंगे तो ऑनलाइन जाएंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपके पास कनेक्शन किस टाइप का है ठीक है तो आप उसको बता देंगे देन आप ओके okay करेंगे क्योंकि राइट right नाउ मेरे पास हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है तो मैं ऑनलाइन नहीं जाऊंगा बल्कि मैं क्या करूंगा मैं जस्ट इसको इस जो मेरे पास प्रोग्राम लिखा है इसको मैं सेमुलेट करूंगा ठीक है तो ये देखें ये मैंने जैसे इसको सेमुलेट किया तो कुछ इस तरह से मेरे पास आउटपुट आएगी ठीक है अब मैं इसको जब सेमुलेट कर लिया तो अब मैं इसको क्या करूंगा ऑब्वियसली रन करूंगा रन करेंगे तो ऑब्वियसली क्योंकि दोनों स्विचेस जो हैं वो ऑन थे तो आउटपुट ऑन हो गई है केस अगर मैं एक स्विच को ऑफ कर देता हूं इस स्विच को तो आप देखें कि आउटपुट जो है वो ऑफ हो गई है अगर मैं स्विच को चाहूं तो मैं इस तरह से ऑन कर सकता हूं और इस स्विच को मैं चाहूं तो ऑफ कर दूं तो तब भी आउटपुट ऑफ हो जाएगी तो बेसिकली ये मेरे पास क्या बन गया एक एंड गेट बन गया दोनों इनपुट्स ऑन होंगी तो आपके पास आउटपुट ऑन होगी ठीक है तो इस तरह से लेडर लॉजिक की बाकी जो टाइमर्स होते हैं काउंटर्स होते हैं और डिफरेंट uh, टाइप्स के जितने भी मैंने अभी तक आपको एल एन ब्रेडले के सॉफ्टवेयर लॉजिक्स प्रो में जो कुछ भी सिखाया था वो एग्जैक्टली exactly सब की सब चीजें यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट की जा इस विन प्रो लैडर में भी इम्प्लीमेंट की जा सकती है केस अगर आपके पास फैटिक uh, का पी एल सी अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे सिंपली विन प्रो लैडर इंस्टॉल करेंगे उसको अपना कनेक्ट करेंगे फैटिक पी एल सी के साथ और उसकी लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग लिखेंगे और ऑनलाइन जाएंगे तो आपका जो भी लेटर लॉजिक आपने बनाई होगी वो आपकी इंटरफेस हो जाएगी आपके फेटक के पीएलसी के साथ ठीक है तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था प्रो लैडर का और फेटक की पीएलसी का नेक्स्ट जो हम इसमें करेंगे इनशाला वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको उसमें हम एच यूज करेंगे ह्यूमन मशीन इंटरफेस ठीक है बेसिकली ह्यूमन मशीन इंटरफेस क्या होता है कि Uh, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग ये वगैरह जो भी है ठीक है तो ये तो आपके पास uh, जो एक टेक्निकल बंदा है ठीक है जो प्रोग्रामिंग uh, लिख रहा है उसको पता है तो जिसको uh, इस बारे में नहीं पता जिसको हमने ये सिंपल एक सिस्टम डिजाइन करके देना है फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी की बात कर लें ठीक है इसी की बात कर लें तो इसका ह्यूमन इंटरफेस क्या बनेगा अ uh, ये बनेगा कि आपके पास दो स्विचेस होंगे ठीक है जो कि किसी मशीन के बाहर दो स्विचेस लगे होंगे और एक इंडिकेटर लगा होगा ठीक है तो मैं जैसे ही दोनों स्विचेस को प्रेस करूंगा तो जो आपके पास इंडिकेटर है वो ऑन हो जाएगा और अगर मैं दोनों में से कोई एक स्विच प्रेस करूंगा तो इंडिकेटर जो है वो ऑफ रहेगा ठीक है तो बेसिकली आपके सामने जो है सिर्फ दो स्विचेस और एक आउटपुट आ रही होगी इस तरह से कोई आपके पास जो है सॉफ्टवेयर नहीं ओपन होगा क्या अपने सॉफ्टवेयर में जाएंगे और उसमें इसको कनेक्ट करेंगे और इस तरह से लेटर लॉजिक लिखेंगे क्योंकि एक ले मैन जो है उसके लिए उसको हमने एक सिस्टम डिजाइन करके देना है और उस सिस्टम में यह है कि वो चाहता है कि जब भी मेरे पास ये दो इनपुट्स ऑन हो तो आउटपुट जो है मेरे पास जो है ये इंडिकेटर ऑन होना चाहिए तो उसको हम ये सिस्टम डिजाइन करके देते हैं तो उसके लिए जो हम सिस्टम डिजाइन करते हैं उसको हम ये जो लेटर लॉजिक है इसको हम पी के साथ इंटरफेस करते हैं और देन फिर इस लॉजिक को हम इंटरफेस करते हैं अपने ह्यूमन मशीन इंटरफेस में ठीक है तो नेक्स्ट लैब में मैं आपको ये बताऊंगा कि ह्यूमन मशीन इंटरफेस कैसे बनाया जाता है ठीक है ह्यूमन मशीन इंटरफेस बिल्कुल एग्जेक्टली exactly वैसा ही होता है जैसे आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाते हैं मैट लैब में मैट लैब में आपके पास एक टूल अवेलेबल होता है जिसे कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ठीक है उसके बैक एंड में प्रोग्रामिंग हुई होती है और फ्रंट पे आपको सिर्फ बटन और कुछ जो है वो आ, स्विचेस वगैरह दिखाई देते हैं जो आप प्रेस करते हैं तो आपका डिजायर्ड जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो जाता है तो एग्जैक्टली exactly इसी तरह से पीएलसी में भी जब आप चाहते हैं कि आप ह्यूमन मशीन इंटरफेस बनाएं तो आपके पास बैकहैंड में प्रोग्रामिंग हुई होती है लेकिन जो आपके पास फ्रंट पे आपके पास सिंपल क्या होता है फ्रंट पे आपके पास सिंपल इंडिकेटर्स होते हैं स्विचेस होते हैं जो कि आप प्रेस करते हैं तो आपका डिजायर्ड जो आउटपुट है वो परफॉर्म हो जाता है लेकिन उसकी बैक एंड पे क्या हुई होती है प्रोग्रामिंग हुई होती है तो अब हम नेक्स्ट जो लैब है उसमें हम ये सीखेंगे कि इस लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग को हम किस तरह से इंटरफेस करते हैं ह्यूमन मशीन इंटरफेसिंग किस तरह से की जाती है ठीक है उसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसके लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं एफ वी डिजाइनर ठीक है Designer, तो चले मैं इसको आप ओपन करके थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि एफ वी डिजाइनर जो है वो किस तरह से Hmm, किया जाता है ठीक है ठीक है तो ये आपके पास एफ वी डिजाइनर है इस तरह से आप फैटिक का अवेलेबल uh, डिजाइनर है ये बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस ठीक है कि सपोज अगर मैं अब न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो ठीक है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं अभी मैं चलें ऐड भी कर देते हैं इसको लेट से ओके कर देते हैं जल्दी से ठीक है नेक्स्ट तो ये देखें ये आपके पास एक विंडो ओपन हो गई है इस विंडो में हम ह्यूमन मशीन इंटरफेस डिजाइन करेंगे मतलब कि यहाँ पे हम कोई प्रोग्रामिंग की बात नहीं करेंगे प्रोग्राम हमारा जो होगा वो एंड पे होगा ठीक है जो लेडर लॉजिक हमने लिखी है वो हमारी एंड पे होगी और फ्रंट पे हमारे पास ये एक मशीन इंटरफेस होगा फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई एक लैंप है ठीक है तो मैं ये एक लैंप ले लेता हूं ठीक है ये देखें ये एक लैंप आ गया और ये आपके पास एक स्विच आ गया ठीक है तो ह्यूमन मशीन इंटरफेस क्या है कि इसके पे प्रोग्रामिंग हुई होगी ठीक है फ्रंट हैंड पे आपको सिर्फ ये नजर आगा आ रहा होगा कि एक बटन है और जब उस बटन को प्रेस किया जाता है तो ये आउटपुट इंडिकेट हो जाती है तो व्हाट वी हैव टू डू कि हम क्या करेंगे कि यहां पे अपना एक ह्यूमन मशीन इंटरफेस बनाएंगे उस ह्यूमन मशीन इंटरफेस को हम लिंक करेंगे अपने लेडर लॉजिक के साथ और लैडर लॉजिक हमारा जो होगा लिंक्ड होगा या इंटरफेस होगा फैटक की पी के साथ तो ये तीन चीजें आपस में इंटरफेस होकर हमें एक जो है क्या कहते हैं कि एक ह्यूमन मशीन इंटरफेस बना के देंगी जिसमें हम फ्रंट पे हमें सिर्फ ये चीजें नजर आ रही होंगी लेकिन बैक एंड पे इसकी बहुत ज्यादा चीजें होंगी जो कि आपको फ्रंट से नजर नहीं आएंगी ठीक है तो जब मैं इसको आ, कोई भी एक बंदा है जो है इसको प्रेस करेगा तो आउटपुट आपके पास ऑन हो जाएगी लेकिन उस बंदे को यह नहीं पता कि बैक एंड पे इसकी क्या प्रोग्रामिंग हुई हुई है और ये किस तरह से काम कर रहा है ठीक है लैब में हम ये सीखेंगे कि ह्यूमन मशीन इंटरफेस कैसे करते हैं तो अभी आज की लैब में हमने ये सीख लिया है कि फैटिक पीएलसी की स्पेसिफिकेशन क्या है सेंसर इंटरफेसिंग क्या है और उसके लिए हम लेडर लॉजिक प्रोग्रामिंग किस तरह से करते हैं होपफफुली आपको ये सेशन आ, समझ आया होगा ठीक है थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़